रेल बजट को लेकर उत्तराखंड को भी केंद्र सरकार से खासी उम्मीदें हैं। पहाड़ों में रेल का विस्तार बेहद जरूरी है, लेकिन ये कर पाना राज्य सरकार के लिए मुमकिन नहीं। इसलिए राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस बार केंद्र के पिटारे से उसके लिए भी कुछ अहम जरूर निकलेगा। सीएम हरीश रावत कहते हैं कि रेल सुविधाओं के मामले में उत्तराखंड की हमेशा अनदेखी हुई है। उनका कहना है कि जब से रेल सेवाओं की शुरुआत हुई, राज्य को हमेशा कम ही हिस्सा मिला। सीएम का कहना है कि हमने केंद्र सरकार को उत्तराखंड की जरूरतों का मसौदा सौंपा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार राज्य की उम्मीदों के साथ न्याय करेगी। महज वित्तीय पहलुओं के आधार पर राज्य की उपेक्षा करना गलत है। राज्य के पास इतने संसाधन नहीं है कि वे अपने संसाधनों पर रेल का विस्तार कर पाए, इसलिए केंद्र को दरियादिली दिखाते हुए रेल बजट में उत्तराखंड पर ध्यान देना होगा। हमको रेल बजट में बहुत कम हिस्सा मिला है इन वर्षों के अंदर, और हम ये चाहते हैं कि एनडीए की सरकार इस बात को ध्यान में रखे, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने रेल लाइनों का जो मसौदा उनको दिया है उस मसौदे को स्वीकार करें, और यहाँ की रेल लाइनों का निर्माण कॉमर्शियल वायबिलिटी पर नहीं बल्कि सोशल डिजायरेबिलिटी के आधार पर बनाया जाए। उत्तराखंड का विधानसभा का बजट सत्र 11 मार्च से शुरू हो रहा है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने यह जानकारी दी है। तो 11 मार्च से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 11 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें राज्यपाल के के पॉल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। तो 11 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने इसकी जानकारी दी है। तो 11 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत की जाएगी। विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं देहरादून में जल संस्थान में मुख्यमंत्री ने छापा मारा है। बता दें कि दिलाराम बाजार स्थित जल संस्थान के दफ्तर में सीएम पहुंचे थे। सीएम के अचानक पहुंचने से अफसरों में हड़कंप जरूर मच गया था। विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई। इससे पहले सीएम ने जल निगम के दफ्तर में भी छापा मारा था। तो जल संस्थान में मुख्यमंत्री ने अचानक से छापा मारा, जिसके चलते अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी जल निगम ने छापा मारा था सीएम ने। इसके साथ ही वहां के विभागीय अधिकारियों से भी सीएम ने बातचीत की। राजधानी की व्यवस्था सुधारने के लिए सीएम हरीश रावत को खुद सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सीएम उतरते हैं तो अधिकारी भी चुस्त हो जाते हैं, लेकिन ये चुस्ती बस चंद दिनों में ही काफूर हो जाती है और नतीजा रह जाता है वही ढाक के तीन पात। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब सुधरेंगे राजधानी के हालात। राजधानी के बदहाल हालत सुधरे, इसके लिए सीएम हरीश रावत ने अफसरों को बजट को लेकर भी फ्री हैंड कर दिया है और खुद सड़क पर उतरकर व्यवस्थाएं देख भी रहे हैं। अधिकारियों की फौज उनके पीछे चलती तो है, लेकिन ये चुस्ती चंद दिनों में काफूर भी हो जाती है। बुधवार की रात भी सीएम राजधानी की सफाई व्यवस्था जांचने निकले तो हालात देखकर बिफर पड़े। लिहाजा मुख्य नगर अधिकारी को डबल चार्ज से मुक्त करते हुए सिर्फ मुख्य नगर अधिकारी की जिम्मेदारी ही सौंप दी गई और एसडीएम का चार्ज हटा दिया गया। लेकिन व्यवस्था सुधरी नजर नहीं आ रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और गंदगी चारों तरफ पसरी हुई है। इस हालात पर डीएम साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और स्टाफ की कमी कर रोना रो रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसे अभी स्टाफ की कमी है, यहाँ पर जितना कूड़ा जितना यहाँ पर फेंका जा रहा है उसको और उसके कंपैरिजन में जो हमारे पास जितनी व्यवस्था है नगर निगम में जो फील्ड स्टाफ की और जो कूड़ा उठान की जो गाड़ियों की, उसमें कुछ गैप्स हैं। वहीं संसदीय सचिव आवास की माने तो सरकार तो विकास के लिए संजीदा है, लेकिन निगम भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। मेयर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। नगर निगम की मुख्यतः जिम्मेवारी बनती है, नगर निगम बयानबाजी करता है, बार बार बयानबाजी उसको वो करनी चाहिए, पहले काम धरातल पे करके दिखाए। कुल मिलाकर लोगों की समस्याएं जस की तस हैं। सीएम के आदेशों को अधिकारी हवाई कर रहे हैं और उनके सिपह सालार सियासत में मस्त हैं। ऐसे में राजधानी को ग्रीन दून क्लीन दून बनाने का सपना महज सपना नहीं तो और क्या है। मुख्यमंत्री का सड़क पर उतरना एक साफ संकेत है कि सरकार आम जनता के मसलों पर गंभीर है, लेकिन मुख्यमंत्री के सड़क पर उतरने के बावजूद स्थिति न सुधरना चौंकाने वाला है। और मजे की तो बात यह है कि अफसरों के पास जवाब मौजूद है,
तो नेताओं के पास उनके दावे, इन सबका भला जनता को क्या करना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, बड़ा सवाल यह है कि आपके उतरने के बाद भी सड़कों पर यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आखिर क्या संदेश जाएगा। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री दिनेश अग्रवाल के खिलाफ ग्राम प्रधान के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान ने पर्यावरण मंत्री दिनेश अग्रवाल पर पॉली हाउस में सरकारी जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकारी जमीन कब्जा कर टाइल निर्माण के लिए फैक्ट्री तैयार की गई है। इस फैक्ट्री की टाइलें सरकारी कामों में इस्तेमाल की जा रही है। ग्राम प्रधान का कहना है कि सरकार इन आरोपों की जाँच कराए तो वहीं मंत्री जी के घर का भी घेराव किया जाए। मंत्री जी की जो पोली हाउस है उसमें ग्राम समाज की जमीन जिस तरीके से उन्होंने कब्जाई हुई है, मौके पर 8 बीघा की 7.5 बीघा की रजिस्ट्री उनके नाम है और लगभग 45 से 50 बीघा लगभग उन्होंने कब्जा रखी है। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार के, जब सरकार में ही एक मंत्री भ्रष्टाचारी है, किस तरीके से ये सरकार चल रही है। कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट में हुए प्रदर्शन पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने उल्टा बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को बिना मुद्दों की पार्टी बताया। दिनेश अग्रवाल के मुताबिक बीजेपी के पास कोई आरोप लगाने का मामला नहीं है, लिहाजा समय समय पर पॉली हाउस और टायर्स फैक्ट्री का मामला बेवजह उठाती रहती है। दिनेश अग्रवाल ने साफ कहा कि टायर्स फैक्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं है। पॉली हाउस जिस जमीन पे लगा है वो जमीन रजिस्ट्री लैंड है, क्योंकि उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन है, वो मेरी पत्नी के नाम पर है। मेरे पास जहाँ कहीं भी जो जमीन है वो रजिस्ट्री लैंड है, किसी ग्राम सभा की या किसी की जमीन पे मेरा ना कभी कोई कब्जा था, ना है, ना होगा। जो कोई जांचेगा जिस स्तर की कराना चाहता हूँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम कुछ ठोस चीज लेकर आए तो उसका कुछ मजा भी रहे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य के कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल पर हमला बोला है। प्रवक्ता प्रकाश सुमन ध्यानी ने दिनेश अग्रवाल को जमीन कब्जाने पर संलिप्तता बताया। ध्यानी ने कहा कि इस तरह की जमीनों पर पाली हाउस समेत अन्य प्रतिष्ठाएं बनाए गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने अग्रवाल के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। अब बीजेपी प्रवक्ता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वह लोगों के विरोध के मद्देनजर मामले की जाँच कराए। स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश अग्रवाल के खिलाफ जो वहाँ जमीनें कब्जा रहे हैं, उनके परिवार जनों ने जो मथुरावाला में जमीनें कब्जा रखी हैं और वहाँ लोग उनकी इस जमीन कब्जाओ नीति से परेशान हैं, इसके मद्देनजर आज डीएम को ज्ञापन दिया गया और उनसे कहा गया कि ये जब से राज्य बना तब से आज तक मथुरावाला में खास तक कितनी जमीनें कब्जाएगी, उसमें स्थानीय विधायक के कैसे कैसे हाथ हैं। वहीं रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, दोनों के बीच धारदार हथियार भी चले, जिनमें 4 लोग घायल हो गए और 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। हालांकि घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है, विवाद नाले के निर्माण को लेकर हुआ। कहानी वहाँ से जैसे मैं गया तो उन्होंने तमंचे ले रखे थे, तो उस टाइम तमंचे में वहाँ पर गया तो उन्होंने मेरे पे भी हमला करा, इनको भी करा जो उन्होंने मेरे भाई हैं। राज्य में लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए विभाग की खासी फसीयत हो रही है। विभाग के पास जरूरी उपकरण भी नहीं है, ऐसे में सरकारी खामियों का नतीजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। राज्य में अब तक 4 मौतें स्वाइन फ्लू से हो चुकी हैं, जबकि 114 लोगों के सैंपल विभाग ले चुका है, जिसमें से 64 की रिपोर्ट आ चुकी है। राज्य में लैब न होने के चलते मरीजों की जाँच रिपोर्ट के लिए 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग का बचाव करते हुए मीडिया से मुखातिब हुए और स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वाइन फ्लू को लेकर स्थिति नियंत्रण में है, डॉक्टरों की टीम 24 घंटे तैयार है, साथ ही वास्तविक कीमत से ज्यादा दामों पर मास्क बेचने वाले मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ कुल 114 सैंपल लिए गए थे और उसमें से 64 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 64 में
50 नेगेटिव हैं जिनको नहीं है ये। एक तो अनावश्यक जो पैनिक फैला रहे हैं उसके उनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सूचना आई है, कुछ शिकायतें आई कि कुछ लोग लाभ कमाने के लिए मास्क अधिक कीमत में बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे दवा विक्रेताओं के खिलाफ शिकायत की पुष्टि होने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वहीं उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू की दस्तक के बाद कई लोगों की जान चली गई है। अब टिहरी के देवप्रयाग की एक महिला में भी स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिसका इलाज देहरादून के हिमालयन हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसको देखते हुए टिहरी के सीएमओ अर्जुन सिंह सेंगर ने जिले के सभी डॉक्टरों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। वहीं जांच के लिए IDSP की टीम भी बनाई गई है, जो कि जिले में कहीं भी इस तरह के लक्षण पाए जाने पर उनकी जांच कराकर सैंपल दिल्ली भेजेगी। अस्पतालों के अधिकारियों को, चिकित्सा अधिकारी, जो अन्य अधिकारी हैं, फार्मास्यूटिकल जितने भी सिस्टर्स हैं, सभी को हमने लिखित माध्यम से भी और मौखिक भी मीटिंग लेकर के सबको स्वाइन फ्लू के लक्षणों के बारे में बताया है। स्वाइन फ्लू से कैसे बचाव करें, जो साधारण लक्षण है वो उनके बारे में बताया कि सर्दी जुकाम है, लगातार खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, या किसी दवाई लेने के बावजूद भी जुकाम और खांसी ठीक नहीं हो रही है तो ऐसा संभावित हो सकता है, तो उसकी जांच के लिए कहा। परमार्थ निकेतन के करीब 55 ऋषि कुमार अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से बीमार हो गए, जिनमें से करीब 12 बच्चों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहरहाल इतनी अधिक संख्या में ऋषि कुमारों की अचानक हालत बिगड़ने से आश्रम कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सक की माने तो दूषित जल पीने की वजह से इनकी हालत बिगड़ी थी, जो अब खतरे से बाहर है। और अब बात इलाज के दौरान मरीज की मौत की। रुड़की के एक निजी हॉस्पिटल में युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जोरदार हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में रखी कुर्सियों को भी तोड़ डाला। इस बीच जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जिसके बाद ही परिजन थोड़ा शांत हुए। लेकिन इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि स्वाउथ सिविल लाइन निवासी ब्रजेश अचानक अपनी छत से गिर गया था, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी। आनंद वान में परिजनों ने उसे एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ब्रजेश का इलाज करने वाले डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हल्द्वानी में डीएम कैंप कार्यालय में डीएम दीपक रावत की अध्यक्षता में खनन समिति की बैठक हुई। बैठक में परिवहन, राजस्व, पुलिस, वन विभाग के अधिकारी समेत अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिले की गौला, नंदेर, कोसी, दाबका समेत अन्य नदियों में अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर राजस्व की वसूली में विभागों और अधिकारियों को आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी दीपक रावत ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए नदियों के उपखनिज निकासी गेटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही वन विकास निगम के निकासी गेटों के अलावा अन्य चोर रास्तों को बंद कर अवैध खनन पर पुरजोर तरीके से रोक लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। देखिए, सबसे पहला निर्णय तो ये लिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग थोड़ा बढ़ाई जाए गेट्स पे, चाहे वो आपके वन निगम के गेट्स हों चाहे राजस्व के गेट्स हों, इन पे इलेक्ट्रॉनिक कैमरे लगाए जाएं, उसके माध्यम से मॉनिटरिंग हो। अवैध माइनिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत है, वहाँ कैमरा लगाया जाए। इसके अलावा कुछ बहुत से ऐसे अवैध रास्ते हैं निहाल के केस में और ग्वाला के केस में, जहां से खनन किया जा रहा है अवैध रूप से, इसमें DFOs को कहा गया है कि तत्काल इन्हें बंद कराएं, वहां पे ट्रेंचेस बनाएं या खाइयां बनवाएं। विद्युत विभाग को अल्मोड़ा में जनपद के कार्यालयों और उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपए के बिल की वसूली करनी है, जिसमें अकेले जल संस्थान से 3 करोड़, जबकि लघु डाल में 85 लाख, वन विभाग पर 1.25 लाख, नगर पालिका में 45 लाख, जिलाधिकारी कार्यालय में 1,90,000 रुपए सहित तमाम विभागों और उपभोक्ताओं से मार्च तक 5.5 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। जनपद में 2,000 से अधिक देनदारी वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। बिल जमा नहीं करने पर ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। कई ऐसे बड़े विभाग है जिन पर जो है विद्युत बकाया है, जो जैसे हमारे जल संस्थान पर है इस पर लगभग 3 करोड़ है बकाया, और लगडाल पर है 85 लाख है, और फॉरेस्ट पर है 1.5 लाख है, स्वास्थ्य विभाग पर 2.5 लाख है, नगर पालिका पर 55 लाख है। तो ये पैसे वसूली के लिए हमारी नोटिस सबके हजार जा चुके हैं और वसूली अभियान जारी रहेगा।
ऋषिकेश को जिला बनाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर बार एसोसिएशन ऋषिकेश ने सभी संस्थाओं को साथ लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। ऋषिकेश जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ऋषिकेश तहसील में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। इन लोगों की माने तो ऋषिकेश के विकास के लिए इसे जिला बनाया जाना जरूरी है। वहीं आंदोलन में पहुंचे राज्य मंत्री विजय सारस्वत ने भी आंदोलनकारियों के सुर में सुर मिलाए। उधर ऋषिकेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शीश राम कंसवाल की अध्यक्षता में सभी दलों ने बैठक कर आगे आंदोलन की रणनीति बनाते हुए कहा कि जल्द ही यमकेश्वर और नरेंद्र नगर क्षेत्रों में बैठक कर लोगों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब ऋषिकेश को सरकार जिला नहीं बना लेती। देहरादून में खेल विभाग ने खिलाड़ियों के सम्मान और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खुद सीएम ने राज्य के सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पुरस्कार के तौर पर नगद राशि और स्मृति चिन्ह दिए। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए सीएम ने कहा कि सरकार साल 2015 को ग्रामीण खेल वर्ष और 2016 को संस्थागत रेल वर्ष के रूप में मनाएगी, जिनमें मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए साल 2017 में दो कैंप भी लगाए जाएंगे, ताकि उत्तराखंड न सिर्फ 2018 की नेशनल गेम की मेजबानी करे बल्कि खेल शक्ति के रूप में भी उभरे। खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल का भी कहना है कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। वर्ष 2015 को हम ग्रामीण खेलों के लिए समर्पित करते हैं। हम कोचेज और सह कोचेज पार्ट टाइम कोचेज सब निर्धारित करेंगे। 2016 में हम इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट्स, जिसमें संस्थाएं, सरकारी विभाग, पीएसयू, इनके खिलाड़ी भाग लेंगे और वो उनके स्पोर्ट्स आयोजित करेंगे। देहरादून में कार्यक्रम के तहत सीएम हरीश रावत ने सैकड़ों खिलाड़ियों को सम्मानित किया, लेकिन सीएम के दिए सम्मान से अंतर्राष्ट्रीय शूटर दिलराज कौर खासी नाराज थी। शूटर दिलराज कौर ने सम्मान में दी 10,000 रूपए की धनराशि भी लौटा दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला शूटर दिलराज कौर का कहना है कि उन्हें सम्मान स्वरूप जो धनराशि दी गई है वो उनके लेवल और योगदान से कम है। दिलराज कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन खेल नीति निर्धारक इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने मीडिया के सामने भावुक मन से अपनी बात रखी। हालांकि खिलाड़ी के भावुक होने पर असहज हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने अभी शुरुआत की है, लेकिन भविष्य में अन्य पहलुओं पर गौर करने की बात कही है। आप चेक देखिए 10,000 रुपीज जितना हो सकेगा राज्य से उतना ही तो करेगा। राज्य से जितना हो सकेगा उतना ही करेगा। इंटरनेशनल रेसर खालिद द ग्रेट राजधानी में राज्य के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे। मौका था उत्तराखंड के खेल विभाग की तरफ से खिलाड़ियों को सम्मानित और पुरस्कृत करने का, जहां को सीएम हरीश रावत मौजूद थे। खाली को लेकर भी खिलाड़ियों में गजब का क्रेज देखने को मिला। इस मौके पर खाली ने कहा कि उत्तराखंड में खेल गतिविधियां बढ़ने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंतर्राष्ट्रीय खाली को लाने के लिए निशानेबाज जसपाल राणा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में और भी खिलाड़ियों को राज्य में लाएगी। उत्तराखंड के महान मित्र खली साहब को भी आमंत्रित किया था, बल्कि मैं उसके लिए जसपाल राणा जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। वो उनको आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर गए। जंगल से लकड़ियां लेने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल बुजुर्ग को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया है। घटना कॉर्बेट पार्क के बिजवानी रेंज की है, जब ग्रामीण कॉर्बेट प्रशासन से बाघ को पकड़ कर कहीं और छोड़ने की मांग कर रहे हैं, तो वही सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे कॉर्बेट के अधिकारी घायल व्यक्ति को हर संभव मदद देने की बात कर रहे हैं। अचानक उनको टाइगर ने हमला कर दिया, क्योंकि वो उसकी बटिया ही है, उस बटिया पर आ गए थे ये लोग, तो जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और घायल का इनका चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। अगर इनको बाहर रेफर करने की जरूरत पड़ेगी तो बाहर भी इनको ले जाएंगे।